हैं, हाँ चाहे महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए, हाँ एफडीआई को थोपने का काम किया, हाँ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों को प्रमोट करने का काम हो, प्रमोशन में आरक्षण का काम हो, लगातार इन सब का विरोध समाजवादी ने ही किया है, किसी दल ने किया लेकिन है, तब भी समर्थन किया है। बार बार उपेक्षा हुई, बार बार समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन तब भी कांग्रेस से मोहब्बत ऐसी है कि छूटती नहीं है साहब। देखिए हमें एक तरफा मोहब्बत है ये जो सजा देती है। हमें जो करना है मैं जनहित में कर रहा हूं और जनता इसको सुन रही है, कांग्रेस सुने या न सुने। अच्छा जनता लगातार सुन रही है। राणा जी जो सवाल मेरा आपसे था उसमें तकनीकी खामी थी कुछ। सवाल मेरा आपसे थोड़ा सा उसी का मॉडिफाइड वर्जन है कि जब कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक पद पर रहते हुए टीबी राजेश्वर साहब का बेदा इस्तेमाल किया जैसे आरोप लगे, और जैसा पांडे साहब कह रहे हैं कि साहब उसमें लिखा हुआ है हर एक चीज कि कैसे कांग्रेस पार्टी और बसपा के बीच में डील हुई, तो क्या अब जो दोषी हैं फौरी तौर पे जो जो आरोपित हैं क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो किसी भी पद पर क्यों ना बैठे हो, क्या ये मांग बुलंद नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से? बिल्कुल होनी चाहिए और इस देश के लिए सब नेताओं के खिलाफ होनी चाहिए। ये नेताओं की आपसी सांठगांठ है जिसके कारण ये लोग बचे रह जाते हैं। न्यायपालिका और मीडिया कितना जबरदस्त युद्ध छेड़े हुए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो उत्तर प्रदेश के दो दो देखिए ना, अभी एक महीना पहले मुख्यमंत्री मुलायम सिंह या अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी और उनके लड़के प्रतीक यादव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों इनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए भाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि मायावती के खिलाफ। नहीं, सवाल मेरा दूसरा था, सवाल मेरा दूसरा है। मैं दरअसल हमारे शो का फॉर्मेट, आप तो बहुत पुराने मेहमान हैं हमारे, सवाल का मेरा फॉर्मेट यह है कि जो सवाल उसका सीधा से जवाब। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जिस वक्त राज्यपाल टीबी राजेश्वर ने यह फैसला किया था कि सीबीआई को मायावती जी के खिलाफ जांच करने की, मुकदमा करने की इजाजत ना दी जाए, और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की समीक्षा करते हुए अपना फैसला सुनाया, नोटिस जारी किया, यानी फौरी तौर पे साफ हुआ कहीं ना कहीं कुछ तो पर्देदारी थी, कुछ गड़बड़ झाला था और लिखा भी गया पांडे जी कह रहे हैं, तो क्या उस वक्त के राज्यपाल हो या जरूरी जिम्मेदार जितने भी लोग हैं सबके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। पांडे साहब अगर होना चाहिए तो उसका प्रोसेस क्या है और वो क्यों नहीं हो रहा? मुकदमा नहीं हो सकता उनके खिलाफ, क्योंकि वो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी के रूप में आदेश पारित किया है। हाँ। तो वो प्रिविलेज है, किसी गवर्नर के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ये संविधान में एक व्यवस्था दी गई है। हाँ। तो उसका एक फायदा उठा के ही वैसा वो करते हैं। हाँ। तो 361 आर्टिकल 361 में संविधान में गवर्नर को प्रोटेक्शन है। हाँ। कि गवर्नर रहते हुए कोई अगर वो फैसला करते हैं तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सकते। अखिलेश प्रताप सिंह साहब जुड़ गए हमारे साथ, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अखिलेश जी बहुत स्वागत आपका समाचार प्लस पर। जी शुक्रिया। अखिलेश जी आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है जिसमें उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को नोटिस जारी कर ये पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ ताज कॉरिडोर मामले में मुकदमा चलाया जाए, और सीबी पांडे साहब जो याचिकाकर्ता हैं, वरिष्ठ वकील हैं, वो कह रहे हैं कि इससे कांग्रेस का भी गड़बड़ झाला और कांग्रेस और बसपा की मिली भगत थ्रू सीबीआई वो उजागर हुई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत कोई भी निर्देश या आदेश पारित करता है तो तथ्यों, सबूतों, गवाहों, जो उसके दस्तावेज हैं उसके आधार पर, जांच एजेंसियों के रिपोर्टों के आधार पर करता है सुप्रीम कोर्ट। और ये पूरा प्रकरण बहुत दिनों से जो कुछ भी है वो सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में है। तो ये कहना कि किसी के गड़बड़ झाला है ये सत्य नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और जब जब भी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो अपने कुछ आधारों के आधार पे ही दिया होगा, जो कुछ भी आधार बनते रहे होंगे। सीबी पांडे साहब मौजूद हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील हैं, आप याचिकाकर्ता हैं। पांडे साहब आप कुछ तथ्य अगर सिंह साहब को क्लियर करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये क्लियर करना ये है कि जो राज्यपाल का जो आदेश था वो उस राज्यपाल के आदेश की जरूरत है। इस बात को जरा स्पष्ट मैं कर दूं कि सीबीआई को इस मामले में गवर्नर के पास जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो दफा लगे 467, 468, 471 उसमें बादल के केस में ये फैसला आ चुका है कि ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने के लिए किसी तरह से प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत नहीं है, गवर्नर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी सीबीआई इस मामले में गवर्नर के पास गई और गवर्नर साहब ने उस मामले में उसको रिफ्यूज कर दिया सैंक्शन। तो इससे ये बात इस आधार को साफ करता है कि कहीं ना कहीं जब सीबीआई की जरूरत नहीं और फिर सीबीआई गई और सीबीआई की तुरंत बात को गवर्नर साहब ने उस मामले को खत्म कर दिया, और खास करके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में तो सैंक्शन की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि
वो सीबीआई ने खुद भी सैंक्शन नहीं मांगा था प्रिवेंशन ऑफ केस में, उसमें भी राज्यपाल महोदय नहीं 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 जो आप अभी कह रहे थे ना कि इसमें कांग्रेस पार्टी की सांठगांठ, वो बात इससे कैसे साबित होती जो आपका बयान दे रहे हैं? अगर ये आप उस समय गवर्नर साहब ने ऐसा क्यों किया, निश्चित रूप से उस समय ये पिटीशन में एक ग्राउंड है कि उस समय कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यपाल महोदय का इस्तेमाल किया, क्योंकि अखिलेश जी पिटीशन में एक ग्राउंड है उनको लेने की नहीं, ग्राउंड कोई कुछ भी बना सकता है, दे सकता है, जब मामला डिस्प्यूट होगा तभी तो अदालत में गया है। सीबीआई को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सीबीआई ने अपना कृत्य किया। अगर किसी को आपत्ति है कि सीबीआई को ये नहीं करना चाहिए था ये करना चाहिए था, इसीलिए तो अदालत में गया है। अब अदालत उसके गुणदोष आधार पे और उसके कानूनी वैधता पे देखेगा, अदालत उस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि सारे प्रश्न जब अदालत में विचाराधीन है तो हम आप उसमें किसी और दूसरे एंगल से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। नहीं निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकाल रहे, नहीं नहीं निष्कर्ष निष्कर्ष निकालना, आदेश देना तो ये अदालत का अधिकार क्षेत्र और हम सब लोग उसको मानने के लिए बाध्य हैं। हम तो केवल इसकी मेरिट और डिमेरिट के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। निष्कर्ष निकालने के ना हमारी मंशा है ना हमारा अधिकार क्षेत्र, अदालत ही करेगा, क्योंकि जो अदालत में गया है वो अपनी पक्ष मान के जाता है कि हमारा पक्ष सही है, जो दूसरा पक्ष है वो भी मानता है कि हम सही है, इसीलिए तो अदालत है कि तीसरा पक्ष है अदालत निष्पक्ष है। रामाश्रय कुशवाहा जी, रामाश्रय कुशवाहा जी, रामाश्रय कुशवाहा जी, मामला चूंकि विवादित है इसीलिए अदालत ने अगर ये कहा है कि बहन कुमारी मायावती जी को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए तो इसमें किसी उनके विरोधी को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, ये मतलब लगता है सिंह साहब का। देखिए अग्रवाल साहब, एक बात मैं आपको बता दूं बहुत निश्चित रूप से कि ये ताज कॉरिडोर का मामला और सुप्रीम कोर्ट ने जो मायावती जी के ऊपर मुकदमा चलाने की अनुमति दिया है कि क्यों ना मुकदमा चला दिया जाए, ये एक तो आवश्यक कदम था, सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया। आप उसमें जरा नजर रखिए कि जब इतनी बड़ी एजेंसियां, और हम केंद्र सरकार की बात करेंगे और उसमें स्टेट में बैठे हुए गवर्नर की, जब इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए लोग मैनेज करेंगे किसी मामले को, जानते हुए भी ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पे भी नजर जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है ये तो बहुत स्पष्ट आदेश दे दिया है कि कोई ना मुकदमा चला जाए, लेकिन नजर उसमें भी रखना चाहिए आवाम को और हमें आपको मीडिया को और शासन प्रशासन को और संविधान को। मुझे लगता है अमिताभ अग्निहोत्री जी को चर्चा में लाने का वक्त है। अमिताभ जी, आनंद की तरफ एक तरफ ईडी शिकंजा कस रही है, मायावती जी के ऊपर ये जो तथ्य सामने आए हैं, याचिकाकर्ता सीवी पांडे सुप्रीम कोर्ट गए और ये सारी चीजें एक साथ आ रही है, राजनीतिक तौर पर इन बैक टू बैक दो घटनाओं के क्या क्या संदर्भ निकाले जाए, क्या मायने निकाले जाए? देखिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का जो जनाधार है उसका इन चीजों से बहुत वास्ता रहा हो, इनसे वो प्रभावित हुआ हो, उसका उनका जनाधार काशीराम के समय से मैं जितना बसपा को देख पाया हूं, डीएस फोर वाम से फिर बसपा, मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत तात्विक फर्क वोट की राजनीति पे पड़ेगा। ठीक है, परसेप्शन खराब हो सकता है, छवि खराब हो सकती है, तो छवि की चिंता तो आजकल किसी नेता को रही नहीं भाई, ये भी आय से अधिक संपत्ति में सुप्रीम कोर्ट में अटकी है बहन जी भी और भाई साहब भी, तो उत्तर प्रदेश में तो कौन किसको टोकेगा कि तुम्हारी कमीज में दाग है, वो कहेगा तुम्हारे कमीज में भी दाग है, तो दाग छोटा बड़ा इसकी बहस हो सकती है लेकिन दाग तो दाग है। और इस देश में जब वीरभद्र सिंह बहुमत से चुनाव जीत के आ सकते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, जिन पर भ्रष्टाचार का मामला साबित हुआ और इस्तीफा हो गया जिनका केंद्र से, और जनता ने उनको फिर रास्ते पहुंचा लगा दिया, बादल साहब के खिलाफ उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा है, वो वापस आ गए, पंजाब में कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि वो वापस आए। लेकिन मूल बात जो मैं समझता हूं अब्बल तो ये कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या हुई बसपा और कांग्रेस के बीच में, ये अदालत का विषय हो नहीं सकता। ठीक बात है, और गवर्नर प्रोटेक्टेड है इसलिए राजेश्वर बच गए, ये समझा जा सकता है, लेकिन ये लिखित प्रत में सिद्ध नहीं हो सकता, ये ओपन सीक्रेट तो हो सकता है कि सब जाने के ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप इसको प्रमाणित तो नहीं कर पाएंगे ठीक बात कहीं भी। ठीक बात, और राजेश्वर राय हो गए, राजेश्वर हो गए प्रोटेक्टेड गवर्नर होने के नाते, ठीक है, इसमें बेहतर ये हो कि गवर्नर के पास सेंक्शन मांगने का प्रोविजन खत्म हो और अदालत में इस बात के लिए भी एजेंसी जाए कि मुकदमा चलाया जाए नहीं चलाया जाए, इस पर भी अदालत ही बता दे जी,
तब तो ये न्यायपूर्ण हो सकता है, वरना जब तक गवर्नर रहेंगे, गवर्नर अपने अपॉइंट करने वाली संस्था मात्र संस्था के प्रति वफादार रहेंगे। उत्तराखंड के गवर्नर ने क्या कहा जब वो गवर्नर बने, तो उन्होंने पहले कहा भाई राहुल जी और सोनिया जी के भक्ति और सेवा का पुरस्कार मुझे मिला। ठीक बात है, इस शपथ के साथ तो वो उत्तराखंड राजभवन में विराजे। और अब आप उनसे ये उम्मीद करें कि वो आते ही बिल्कुल निरपेक्ष भाव से ठीक बात मदन मोहन मालवीय के अंदाज में काम करने लगेंगे। तो ये क्यों गलत फहमी पाले। राजेश्वर जी को भी पुरस्कार मिला अमिताभ जी, पिछले साल उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। दूसरी चीज जो मुझे लगती है, इस कांग्रेस को पिक एंड चूज बंद करना होगा। मैं एक आइडेंटिकल उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश पे तो लोग जानते ही हैं, उसमें क्या बोलूंगा तो फिर कुशवाहा साहब की पार्टी भी बीच में फंस जाएगी। कुशवाहा साहब की पार्टी भी बीच में फंस जाएगी। तो बेअंत सिंह के खिलाफ एक मुकदमा चला शेरे पंजाब कि भाई उन्होंने हजारों लोगों को छोटी छोटी पुर्ची पर नौकरी का ऑर्डर कर दिया। जहां जाते थे वहीं 150 पुर्ची जो मिलती थी एप्लीकेशन वहीं लिख देते थे कि अपॉइंट कर दिया। मुकदमा गया, कपिल सिब्बल के पिताजी उनको डिफेंड करने आए हाईकोर्ट में, बड़ी लंबी बहस चली। उन्होंने कहा कि भाई ये तो पॉलिटिकल आदमी का ऑब्लिगेशन है। जो विरोधी पक्ष था उसने कहा कि भाई जब संविधान की शपथ का उल्लंघन है, बिना भय और पक्षपात के काम करेंगे, और इन्होंने अपने लोगों को भर्ती कर लिया। बेअंत सिंह को सजा नहीं हुई। हुड्डा की नियुक्त किए हुए रोहतक के तमाम बच्चों का एक मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, बोले ये भेदभाव है। भजन लाल के खिलाफ ये मुकदमा हुआ, कुछ नहीं हुआ, जांच भी नहीं ढंग से हुई, चौटाला जेल चले गए। रुपया लेके भर्ती हुई, ये नहीं किसी ने कहा कि ये कहा कि भाई अपने लोगों को नौकरी देने के लिए लिस्ट बदल दी। और यही बेअंत सिंह तो सड़क पर ही नौकरी दे देते थे। तो पिक एंड चूज जब तक आप करेंगे, मैं एक उदाहरण दूंगा, मैं कहूं नरेंद्र सिंह राणा कहे, रामाश्रय कुशवाहा जी कहे मत मानिए, मायावती कहे मत मानिए, अखिलेश प्रताप कहे मत मानिए, सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बार कहा, रामाश्रय जी आपकी नजर, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा मुलायम सिंह की आय से अधिक की संपत्ति का मामला चल रहा था, उस बहस के दौरान अदालत ने कहा सीबीआई के वकील से कि हम समझ नहीं पाते हैं आप कब किसके खिलाफ हैं और किसके पक्ष में हैं। उसने कहा आप हर तारीख पर नया रोल लेके आ जाते हैं, कहीं कहते हैं जी सारे सबूत मिल गए मुलायम सिंह जी के खिलाफ, और कहीं कहते हैं जी कोई सबूत नहीं मिला अगली तारीख को, फिर उससे अगली तारीख में आते कहते जी सारे सबूत मिल गए। तो उन्होंने कहा आप अदालत का माहौल बना रहे हैं, ये क्यों टिप्पणी करनी पड़ी? क्योंकि सीबीआई जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट से गाइडेड है। ठीक बात है, जब तक सीबीआई राजनीतिक, आज कांग्रेस संकट में फंसे, 2014 की एक परिकल्पना करता हूं, 14 में मुलायम मायावती के सांसदों की कांग्रेस को जरूरत हो और कांग्रेस सरकार उन्हीं के कारण ना बना पा रही हो, मायावती सारे केसों से बरी हो जाएंगी, फिर कहां है न्याय? यही सीबीआई वो कागज लेके जाएगी, कहेगी जी गलती हो गई, मायावती जी के तो सारे कॉरिडोर ठीक है, कोई कॉरिडोर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या करेंगे? ठीक बात है, ये जो तरीका है ये तरीका बदलना होगा, ये पिक एंड चूज ये नहीं चलेगा। पिक एंड चूज करेंगे जी तो ईमानदारी नहीं रहेगी, पिक एंड चूज करेंगे तो ईमानदारी नहीं रहेगी, ये तरीका कैसे बदला जाए? नहीं नहीं, पॉलिटिशियन तो पिक एंड चूज करेंगे ही, उन्हें सत्ता लेनी है और उन्हें किसी तरह सत्ता लेनी है, साम दाम दंड भेद जो भी उनको लगा सकते हैं, पैसा जैसे उन्हें करेंगे। इसीलिए न्यायालय बनी है और हम लोग हैं न्यायालय की, इन्हें पिक एंड चूज जहां जहां करेंगे हम लोग लड़ेंगे और लड़के इनको ध्वस्त करेंगे। अरे लोग आरोप तो आप जैसे याचिकाकर्ताओं के ऊपर भी लगाते हैं कि साहब ये तो ब्लैकमेलिंग का खेल है, इसीलिए पहल दाखिल की जाती है, कई बार सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंचे। देखिए ब्लैकमेलिंग का ही अगर ये केस रहता तो ये 5 बार जाके सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। मैं इस केस की बात नहीं कह रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट से नहीं, पांडे जी मैं माफी चाहता हूँ, इस केस के लिए नहीं कह रहा, मैं आपकी नियति पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूँ लोग ऐसा कहते हैं, दैट डजंट मीन कि इसी केस के लिए कहते हैं, बहुत सारी पहल तमाम मुद्दों पर और दूसरी भी है। राजनीति में तो फैशन हो गया ना कि किसी को अपने को बुरा अच्छा साबित करने के दूसरे को बुरा कहो, तो कोई बात नहीं है, उस पर बहुत महत्व के देने की बात नहीं है। इस देश में अभी कानून में बहुत दम है, ठीक है, कानून की नीयत से अगर कानून को इस्तेमाल किया जाए तो ये बड़े बड़े नेता आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि बाप बेटे चौटाला दोनों 10-10 साल की सजा काटने के लिए इस उम्र में जाएंगे। अरे वो अभी भी ना जाते, धीरे धीरे वो अभी भी ना जाते, भाई साहब वो अभी भी ना जाते। अगर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की जो निगाहें हैं, जो भ्रकुटी हैं, वो भ्रकुटी ना तनी होती तो अभी भी ना जाते, कोई दिक्कत थोड़ी थी, वो तो एक मैसेज दिया गया,
ऐसा लोग कहते हैं कि वो मुलायम सिंह जी और मायावती जी को मैसेज दिया गया। मैं नहीं समझ पाया पांडे जी, जगन रेड्डी एक दिन में भ्रष्टाचारी कैसे हो गया? बिल्कुल सही, एक दिन में जगन रेड्डी भ्रष्टाचारी कैसे हो गया? जिस दिन उसने कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने के बाद ये कहा कि मेरा रास्ता अलग, उस दिन जगन रेड्डी, उसके 72 घंटे के भीतर जगन रेड्डी के 22 ठिकानों पर छापे पड़ गए 72 घंटे के भीतर। ये तो तरीका है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि